बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर आपको किसी शादी पर जाना है, पार्टी पर जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है लेकिन चेहरे के ऊपर ग्लो नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो शादी पर जाने से 5 मिनट पहले आप इस काम को कर लीजिए जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है बनाना। बनाना को आपने पील ऑफ कर लेना है, 2 से 3 बनाना के छिलके आपने कलेक्ट कर लेने और आपने फ्रेश वाले पील ही इसके इस्तेमाल करने हैं। आपको ड्राई वाले छिलके इस्तेमाल नहीं करने हैं। फ्रेश बनाना देख लें, 3 बनाना के छिलके मैंने लिए और इसके अंदर से ये वाला पेस्ट जो है वो आपने अलग कर लेना है व्हाइट कलर का। आप इसके लिए छुरी की मदद से, कांटे की मदद से, स्पून की मदद से इसको अलग कर सकते हैं। 3 बनाना के छिलकों के मैंने जो पेस्ट है इसको सेपरेट करके एक बाउल में ऐड कर लिए। आपको तकरीबन 2 चम्मच एक बाउल में ये बनाना के छिलकों का पेस्ट जो है वो ऐड कर लेना है। आपको इसका येलो वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है यही सेपरेट करना है। ठीक हो गया जी, एक बाउल में मैं इसको कलेक्ट कर लेती हूँ। मीन वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने कलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध हर घर में ही पाया जाता है। 2 चम्मच आपने रॉ मिल्क इसमें ऐड कर देना है, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है हनी। 1 चम्मच आपको इसमें शहद ऐड करना है। फाइनल एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल के तेल। यहाँ पे आपको सिर्फ नारियल का तेल ही इस्तेमाल करना है, कोई और ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद, ताकि चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब जल्दी से आप अपने स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, और अपनी स्किन के ऊपर इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। मीनवाइल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि इस तरह की ब्यूटी से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड होने वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पांच मिनट के लिए इसे चेहरे के ऊपर लगा रहने देंगे। पांच मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब आपने एक टॉवल को वेट करना है, गीला करना है, और उसकी मदद से अपने चेहरे के ऊपर से इसको वाइप कर देना है। ठीक हो गया, इसी तरीके से आपने टॉवल, साफ सुथरा टॉवल, टिश्यू या कपड़े की मदद से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद आप टॉवल को अगेन गीला कीजिए ठंडे पानी में, और फिर अपने चेहरे को दोबारा से साफ कर लीजिए। आप डायरेक्टली भी चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप शादी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके चेहरे के ऊपर जो ग्लो आएगा ना, उसे में देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप, इस सच में बहुत अच्छी टिप है ये। नेचुरल होम रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो दे सकते हैं। अगर पार्टी पर जाने के अलावा भी आप इसे घर में फॉलो करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। चेहरे के ऊपर एक नेचुरल किस्म का ग्लो आएगा, आपके पोर्स की सफाई होती रहेगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट होती जाएगी, डे बाय डे ग्लो करती जाएगी और खूबसूरत और व्हाइट होती जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जब रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाए तो उनको निभाना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए जी, मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।